हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री जो चल रहा है हमारा, उसे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 को लेके चल रहे हैं फिलहाल हम अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को लेके चलेंगे। उम्मीद करूंगा कि पुराने वीडियो जरूर देखो। हर वीडियो में वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पुराने वीडियो आप लोग जरूर देखो। इससे पहले देखो, चैप्टर 8 स्टार्ट करा है टारगेट 2024 के लिए, और क्वेश्चन नंबर 8 पे हम प्रेजेंट टाइम पे हैं। इससे पहले के जो वीडियो है 1 से 7 तक सारी वीडियोस बता रखी। तो हर क्वेश्चन देखो, पहले के वीडियो में बता चुका हूँ कि 2 या 3 क्वेश्चन का डेली का टारगेट बनाओ तो 3 महीने में एक अच्छा जो है स्कोर आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आप पहले के वीडियो देख के ही फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग एंट्री करेंगे, ठीक। चलिए फिर आज की क्लास में जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। If 3 cot A is equal to 4 है और चेक करना है मतलब हमें कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। मतलब 1 - tan² A upon 1 + tan² A is equal to cos² A - sin² A, ये इक्वल है इसके कि नहीं है, ये देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास में जो है हम स्टार्ट करते हैं। अब नाक में दम मचा रखी है एक सर, खतरनाक वाले सर हैं ये भी, उन्होंने बड़ी नाक में दम मचा रखी मेरे, ये डिस्टर्ब करने पे लगे हैं मेरे को काफी दिनों से, इनका इलाज करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। सॉल्यूशन है 3 cot A = 4 है, तो इसको देखो पहले लिखेंगे कैसे, cot A = 4/3 ऐसे लिखेंगे बस। देखो जैसे चल रहा है वैसे चलने दें, इसको ऐसे लिखो। अब इसके बाद देखो मैं कहीं किनारे पे एक बना रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं तो ए बी और सी राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं और ए बी सी। अच्छा दूसरी चीज देखते हैं, कॉट ए, ए मतलब इस एंगल की बात, मतलब ये एंगल, अगर इस एंगल की बात की है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये मैं पहले के वीडियो में भी आप लोग को बता चुका हूँ। फिर और क्या बता चुका हूँ मैं आपको, और ये बता चुका हूँ मैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। और कॉट की बात चल रही है तो कॉट से पहले हम ये बता दें आपको कि जो कि पहले भी बता चुके हैं कि पी अपॉन बी होता है आपका टेन थीटा। तो कॉट की अगर मैं बात करूं, तो क्या जाएगा, बी अपॉन पी मतलब वैल्यू में पुट कर रहा हूं, जहां पे बी है, बी मतलब बेस ही है, ये यहां पे रख रहा हूं मैं आपके पास 4, पी में लिख रहा हूं मैं यहां पे 3। देखो कॉट ए इज इक्वल टू बी अपॉन पी, बी से बेस, पी से परपेंडिकुलर। अब पता कैसे चलेगा कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, क्योंकि देखो हम कॉट ए, एंगल ए की बात चल रही है। अगर एंगल ए की बात चल रही है तो इस एंगल में बच्चों देखो क्या है, अगर मैंने हर वीडियो में बताया कि जो भी एंगल की बात की जाए तो उसके सामने वाला आपका होता है परपेंडिकुलर, हर वीडियो में ये आपको मैं बता चुका हूँ। बस जहां ये परपेंडिकुलर हो गया तो उसके बाद पता है ये हाइपोटेन्यूस तो भैया कभी चेंज नहीं होगा, ये लॉन्गेस्ट साइड, और बेस क्या हो जाएगा, बेस आपका ये हो जाएगा। तो देखो ये तो यहाँ से मिल गया हमें। अच्छा क्वेश्चन के साथ साथ देखते हैं कि हमें चाहिए क्या, हमें तो ये चाहिए कॉट ए की वैल्यू। तो भैया लोग चलो, कॉट होता है 10 का उल्टा, तो लिख दिया मैंने 10A = इसको उल्टा कर रहा हूँ 3/4 बोले तो पी अपॉन बी और कॉट ए की वैल्यू मेरे को मिल गई है। अब कॉस ए की भी वैल्यू चाहिए मेरे को, अच्छा कॉस होता है, अच्छा कॉस भी चाहिए मेरे को और साइन भी चाहिए, साइन ए की भी वैल्यू चाहिए मुझे और कॉस ए की भी वैल्यू चाहिए, ठीक है। देखो ये 2-3 वैल्यू जो है हमें चाहिए। अब कॉस और ये तो हमें चाहिए, पर बच्चों इसके लिए मेरे को हाइपोटेन्यूस निकालना भी जरूरी है। देखो होता क्या है, हर वीडियो में वही चल रहा है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो H² = P² +
बी स्क्वायर, एच स्क्वायर निकालना है। पी की वैल्यू है मेरे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एच की वैल्यू मेरे को मिल गई 5, एच की वैल्यू 5। देखो वैसे निकलती है प्लस माइनस 5, पर पहले की वीडियो में बता चुका हूँ मैं आपको कि भाई किसी की भी अगर साइड मेजर करनी है या किसी की लेंथ या ब्रेथ अगर आपको मेजर करना है तो भैया नेगेटिव नहीं होती है। कोई बच्चे की अगर मैं बोलूँ कि 5 फिट का है तो माइनस 5 फिट नहीं होगा, प्लस का 5 फिट हाइट होगी उसकी। तो इसी तरीके से जो है h इज इक्वल टू क्या जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 5, h मिल गया मेरे को 5। अच्छा क्या चीज था, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, तो p अपॉन h होता है साइन थीटा, p अपॉन h होता है साइन थीटा, और b अपॉन h होता है, b अपॉन h होता है cos थीटा। तो साइन थीटा p अपॉन h, p से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भैया कहाँ पे है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भैया ये है एंगल के सामने, ठीक है। cos a, cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है भाई मेरे पास 5, ठीक है। ये हो गई सारी वैल्यूज, देखो मेरे को मिल गई है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से मेरे को चाहिए थी साइन कॉस और टेन, तो ये 3 वैल्यू देखो मेरे को मिल गई है, और जो मेरे को वैल्यू मिली है उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। देखो बस क्वेश्चन को देखो सॉल्व क्या करना है, सॉल्व हमें ये करना है कि LHS, चलो LHS, LHS, LHS मेरे पास क्या है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ठीक है। ये हमें पास LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये है मेरे पास। अब देखो मेरे पास 10 की भी वैल्यू है, साइन की भी, कॉस की भी, कॉट की भी, सारी वैल्यू मेरे को मिल चुकी है। अब मेरे पास सारी वैल्यू अगर मेरे को मिल चुकी है तो क्या करेंगे भाई, फिलहाल हम अभी 10 की वैल्यू पुट करते हैं। 10 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, 1 माइनस 10 a की वैल्यू है 3 अपॉन 4, तो 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। कैसे लिखूंगा इसको, 1 माइनस 9 अपॉन 16 1 प्लस 9 अपॉन 16। सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 9, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 16 माइनस 9 अपॉन 16, और 16 प्लस 9 अपॉन 16, तो 16 से तो 16 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 16 में से 9 को माइनस करो, 16 में से 9 को माइनस करोगे तो मिलेगा मेरे पास 7, और 16 और 9 होता है 25, तो ये मेरे को मिल चुकी है इसकी वैल्यू ऐसा कुछ, ठीक है। ये देखो ये इसकी वैल्यू मेरे को मिल गई है, किसकी वैल्यू मिली मेरे को, अच्छा यहाँ पे से थोड़ा सा मेरे को स्पेस चाहिए तो मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि इसका काम हो चुका है राइट एंगल ट्रायंगल का। अब मेरे को देखो LHS देखो मेरे को मिल गया है, अब मेरे को LHS मिल गया है तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, RHS लिख रहा हूँ। RHS की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस की वैल्यू भी हम देखो निकाल चुके हैं, साइन की भी निकाल चुके हैं, तो कॉस की वैल्यू क्या है, 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, कॉस 4 अपॉन 5, साइन 3 अपॉन 5। देखो जो जो बोला था ना क्वेश्चन वैसे लिख करते चलो, हमें चेक करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर a, क्या कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के इक्वल होगा सॉल्व करने पे। तो हमने देखो इसकी हेल्प से जो ये दे रखा है ना मेरे पास, ये इसकी हेल्प से ये मेरे पास गिवन है, ये मेरे पास गिवन है, इसकी हेल्प से हमने 10 साइन कॉस की वैल्यू निकाली। तो फिलहाल LHS लिया मैंने 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट करके मेरे पास आंसर आया 7 अपॉन 25। उसके बाद मैंने लिखा RHS, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ कॉस और साइन की, कॉस और साइन की वैल्यू रखी, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25,
तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो कैसे लिखूंगा 25 और 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा भैया तुम्हारे पास 7/25। तो यहाँ भी ये आ चुके हैं, यहाँ भी ये आ चुके हैं, तो इनके बीच में मैं लिख रहा हूँ कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये हमें मिल चुका है कि भैया ये इक्वल है और नॉट इक्वल है और नॉट का मतलब है कि भैया ये इसके इक्वल है कि नहीं है। तो ये हमें मिल चुका है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो नोट करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं एबीसी, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अच्छा एबीसी बी यहीं पे क्यों लिखा, क्योंकि राइट एंगल एट बी बोला है, तो बी जिसको बोला है तो यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बोलेंगे। अगर एट सी बोलते तो यहाँ पे सी आता, एट ए बोलते तो एट ए यहाँ पे आता। अब मेरे पास देखो क्वेश्चन क्या है, इफ ये चीज मेरे पास गिवन है, ये चीज मेरे पास पहले गिवन है, गिवन वाली चीज को लिख लेते हैं कि क्या है मेरे पास, टेन ए इज इक्वल टू 1/√3, टेन ए इक्वल टू रूट अपॉन सॉरी 1/√3। अच्छा तो अगर इस एंगल की बात हो रही है फिलहाल, टेन ए में इसकी वैल्यू दे रखी है, अच्छा होता क्या है मेरे पास, था मेरे पास अच्छा, और हमें पता है टेन, टेन होता क्या है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, तो पी क्या है, अगर इस एंगल की बात चल रही है तो इसके सामने वाला आपके पास हो जाएगा पी, और बी तो सबको पता चलेगी, अच्छा हाइपोटेन्यूस तो पता ही है, जो स्लंट हाइट होती है उसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे बी। तो है क्या मेरे पास पी अपॉन बी, पी अपॉन बी बोले तो 1/√3 ऐसे, ये मेरे पास आएगा पी परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा किस किस की वैल्यू चाहिए मेरे को, पहले ए में देखते हैं, साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, बस साइन ए कॉस ए, ठीक। अब इसकी हेल्प से हम साइन ए निकाल रहे हैं और कॉस ए निकालेंगे। अच्छा साइन होता क्या है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच बोले तो पी अपॉन एच, अच्छा फिर वही पाइथागोरस, मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो हर क्वेश्चन में पाइथागोरस यूज हुआ है, ऐसे हर क्वेश्चन में पाइथागोरस यूज हुआ है, ठीक है, और हर बार मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर के होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, ये हर बार क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एच स्क्वायर तो मेरे को निकालना है, पी बोले तो 1 का स्क्वायर प्लस बी बोले तो रूट 3 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 प्लस रूट, रूट में कोई भी वैल्यू अगर है और उसका स्क्वायर किया जाए तो रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर बोलूंगा तो 2, अच्छा देखो 2 का स्क्वायर बोलेंगे 4, 3 का स्क्वायर बोलेंगे 9, 4 का स्क्वायर बोलेंगे 16, पर यह डिजिट अगर रूट में आती है तो रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 4 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे भी मैंने लिखा रूट 3 का स्क्वायर 3, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4 आएगा तो एच इज इक्वल टू 2, एच बोले तो भैया हाइपोटेनियस की बात हो रही है, 2 मिल गया। अब मेरे पास क्या था साइन ए, साइन होता क्या है पी अपॉन एच, पी कहाँ है पी अपॉन एच यानी कि 1/2, 1/2, कॉस ए, कॉस होता क्या है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच बोले तो √3/2, √3/2, ठीक है। पहले भी बता चुका हूं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पी अपॉन एच होता है साइन, बी अपॉन एच होता है कॉस, और पी अपॉन बी होता है टेन, और याद करने का भी तरीका बता चुका हूं, पापा बियर पियोगे हाँ हाँ बेटा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अरे फोन आ गया डिस्टर्ब, ये फोन चलो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हैं, ठीक है चलो कोई नहीं, आप ध्यान मेरे पे रखो, फोन पे नहीं रखो, ठीक है। अच्छा
साइन ए कॉस ए की वैल्यू मिल चुकी है, टेन ए की वैल्यू मिल चुकी है। तो देखो मेरे पास क्या है, साइन मिल चुका है ठीक है, और कॉस ए मिल चुका है। अब सी की बात करते हैं ठीक है। फिलहाल अब मैं इसको जो है यहाँ से हटा देता हूँ पहले, थोड़ा सा ज़्यादा खिचड़ पिचड़ ना होने पाए ठीक है। अच्छा इसको भी हटा देते हैं, इसका भी काम हो चुका है। अब आते हैं किस किस की वैल्यू चाहिए। अब हमें और हमें चाहिए साइन सी की वैल्यू। चलो यहीं पे किया जाए, चलो यहां पे लिखते हैं साइन सी। साइन सी किस एंगल की बात हो रही है, सी। तो इसको तो हटा रहा हूं मैं यहां पे, देखो इसको हटा दो, इस एंगल की बात करते हैं साइन सी। अगर इस एंगल की बात हो रही तो इसके सामने वाला आपका जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। देखो इस एंगल की बात हो रही है, अगर इस एंगल की बात हो रही है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन होता क्या है, फिर से वही चीज लिख रहा हूं भाई, देखो बार बार, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर मॉर्निंग टाइम पे क्वेश्चन कर रहे हो तो भैया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। रात में अगर यही क्वेश्चन करते हो तो भैया पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, इस टाइप से बोलना आपको ठीक है। फिलहाल साइन सी, साइन होता क्या है, पी अपॉन एच। पी फिलहाल क्या है, रूट थ्री अपॉन टू। रूट थ्री अपॉन टू है, रूट थ्री अपॉन टू। और क्या चाहिए हमें, कॉस सी की। अच्छा कॉस सी की वैल्यू चाहिए हमें, कॉस सी की वैल्यू। कॉस होता है क्या, बी अपॉन एच। बी कहाँ पे है, बी बेस, बेस अपॉन एच, यानी कि वन अपॉन टू, ये चाहिए हमें। सारी वैल्यू मेरे को लग रहा है मिल चुकी है हमें, साइन ए कॉस सी, साइन ए साइन सी मिल चुका है, कॉस ए मिल चुका है, साइन सी मिल चुका है, यह सारी वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब सारी वैल्यू मिल चुकी है तो अब वक्त आ गया है इन वैल्यू को रखने का ठीक है। अगर सारी वैल्यू मिल चुकी है तो इसको लिखते हैं पी अपॉन बी ठीक है। चलो अब देखते हैं फाइंड क्या करना है। पहला पॉइंट लेके चलता है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। सारी वैल्यू आप देखो, अगर आपके पास वैल्यू मिल चुकी है तो आपको सीधे सीधे करना क्या है, वैल्यू उठा के सिर्फ रखनी है। अब वैल्यू उठा के रखते हैं, साइन ए की वैल्यू वन अपॉन टू इंटू कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू है वन अपॉन टू प्लस कॉस ए की वैल्यू है और रूट थ्री अपॉन टू, साइन सी की वैल्यू है रूट थ्री अपॉन टू ठीक है। अब कर दो इंटू वन इंटू वन, वन अपॉन टू टू जा फोर प्लस रूट थ्री थ्री अपॉन टू टू जा फोर। सॉल्व करेंगे अगर हम इसे तो क्या मिलेगा भाई, डिनोमिनेटर तो सेम है, फोर प्लस वन यानी कि सॉरी थ्री प्लस वन यानी कि फोर, कैंसिल करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा वन। जो पहला पॉइंट मिला उसका आंसर मिला वन हमें। देखो जो जो चीज टीचर्स के हाथ में है, अगर क्लास टेंथ के स्टूडेंट हो आप लोग, देखो हमारा काम है कि एंगल बताना, वैल्यू बताना, वैल्यू पुट करना। इसके बाद अगर वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन गलत करते हो तो भैया बहुत आपको मेहनत करने की जरूरत है, बेस कमजोर है फिर आपका ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको मिल चुका है ये। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। पॉइंट दूसरा क्या था, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। तो कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू क्या है, रूट थ्री अपॉन टू। कॉस सी की वैल्यू क्या है, वन अपॉन टू। माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है, वन अपॉन टू। साइन सी की वैल्यू क्या है, रूट थ्री अपॉन टू। चलो रूट थ्री इंटू वन, रूट थ्री इंटू वन क्या होता है, रूट थ्री, टू इंटू टू फोर, माइनस रूट थ्री इंटू वन होता है रूट थ्री अपॉन टू इंटू टू फोर। अच्छा खुद देखो, कुछ करने की वैसे कुछ खास जरूरत नहीं ठीक है। अगर कोई ऐसा है आपका दिख रहा है माइनस का टू प्लस का टू, ऐसा दिख रहा है कि दो सेम डिजिट है और साइन अपोजिट है तो कैंसिल करके जीरो बन जाता है। देखो ना, माइनस का अगर मैं बोलूं ए, प्लस का अगर मैं बोलूं ए, तो दोनों सेम चीज है पर एक प्लस का है एक माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ पे भी देखो रूट थ्री अपॉन टू पॉजिटिव का और रूट थ्री अपॉन फोर नेगेटिव का, ये कैंसिल हो जाएंगे, इसका आंसर मिलेगा आपके पास जीरो जीरो। सो क्या चाह रहे हैं ये सर, ये तो चले ये रहा इसका आंसर जीरो। सो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये 8.1 के सारे क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। सो उम्मीद करूंगा कि आप लोग ये सारी वीडियो देखें, और ये सारी वीडियो जो है घर जाके जरूर देखो, एटलीस्ट एक बार तो भाई जरूर देखो। अगर चाहते हो 2024 का एक अच्छा गोल अचीव करना तो ये सारी वीडियो आप लोग जरूर देखो, ठीक है। सो मिलते हैं कल, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।